हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय डायगस्टर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज के आज काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हो। आज हम करने वाले हैं कैट के क्वेश्चंस, ठीक है। कैट आपका सीजीएल मेंस हो जाता है और आईसीएआर बैंकिंग सब के क्वेश्चन आज आपको देखने वाले हो। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और नेक्स्ट टर्म से हम जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि आपके कुछ दिन बाकी हैं एग्जाम में, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ इस टाइम, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी हो पाए और जो भी आपको एंजाइटी है वो आपकी दूर हो पाए। ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की सोचो और अपनी स्पीड मेंटेन करो इस टाइम, ठीक है। लास्ट के टाइम में मॉक टेस्ट ही लगाने चाहिए, उससे आपको एक अल्टीमेट चेंज नजर आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले जान लो टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो ये इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप दिख रहा है, सही है। इस ग्रुप में आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो और इंग्लिश से रिलेटेड आपकी कोई भी आपका टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप जो मैथ्स से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाओ और ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ डेली, और जो भी क्वेश्चन नहीं बने यू कैन आस्क मी इन दिस ग्रुप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही बहुत अल्टीमेट है, मजा आ जाएगा करके। देखो आपसे कहा गया है इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर बॉर्न ऑन ईच डे, find the approximate percentage of the people whose birthday will fall on 29th of February. If we are able to consider people born in 20th century and assuming no death. अच्छा, आपसे देखो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैट में पूछा गया ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अब आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, तो पहले से करके जाओ जिससे कि एग्जाम में देखकर आपको ज्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन काफी अलग सा है तो आपको पहले से समझना पड़ेगा। देखो आपसे कहा गया है अगर इक्वल नंबर ऑफ पीपल बॉर्न होते हैं हर दिन, ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उन पीपल की जिनकी बर्थडे कब होती है 29th ऑफ फेब्रवरी को। और आपको ये एज्यूम करके चलना है कि भाई इस पूरी 20th सेंचुरी में कोई डेथ नहीं हुई है, ठीक है। ये 1901 से लेकर सन 2000 तक का जो टाइम पीरियड है, मतलब पूरे 100 साल का, ठीक है, इसमें कोई डेथ नहीं हुई है, ये आपको एज्यूम करते हुए चलना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज का तो है ही है, लेकिन साथ में ये आपके रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपकी कैलेंडर में अच्छी कमांड नहीं है तब भी आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, ठीक है। बेसिक है ये कैलेंडर का, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना सब तो आता ही होगा, ठीक है। चलो पहले आपको ये देखना है कि टोटल डेज कितने होंगे। देखो 1901 से लेकर सन 2000 तक कितने साल हो जाएंगे, पूरी एक सेंचुरी ओवर हो रही है, तो ये आपके हो जाएंगे 100 साल, ठीक है। 100 साल हो गए, अब इस 100 साल में देखा जाए तो कितने दिन हो जाएंगे, एक साल में आपके 365 दिन होते हैं, 365, तो 100 साल में कितने हो जाएंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन आपसे कहा गया है परसेंटेज किसकी पूछी है, 29th फरवरी की, ठीक है। तो 29th फरवरी आपका हो जाता है एक लीप ईयर, लीप ईयर में ही आएगा, ठीक है। अब 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं आपके, 25 लीप ईयर होते हैं, क्योंकि भाई हर 4 साल में एक बार आता है, तो 100 साल में कितनी बार आएगा, 25 बार, ठीक है। तो 25 दिन आपके और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है आपको नंबर ऑफ पीपल एक्स लेट करने की नीड नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हर दिन जो है इक्वल नंबर ऑफ पीपल ही आपके बॉर्न हुए हैं, हर दिन सेम नंबर ऑफ पीपल, मतलब 1901 फर्स्ट जनवरी 1901 को मान लो एक्स नंबर ऑफ पीपल आए थे, ठीक है। तो 19 जनवरी 1901 को भी इतने ही लोगों की, ठीक है, इतने लोगों ने जो है जन्म लिया। सेकंड को 3rd जनवरी 1901 को भी इतने ही लोगों ने जन्म लिया, ठीक है। तो इसी तरह से अप टू कहाँ तक, सन 2000 तक आपका सेम नंबर ऑफ पीपल रहे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एक्स लेट कर भी लोगे तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। परसेंटेज किसकी निकालनी है, 29 फरवरी, अब वो तो भाई 25 बार ही आई होगी, 25, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो जाएगा ये आपका 25 डिवाइडेड बाय प्लस 36525 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड कर लो इसे। 25 से गया ये आपका वन टाइम, फिर जाएगा 4 बार 100, फिर आपका चला जाएगा ये 15 है 8 और 3 कितनी बार जाएगा आपका 1 टाइम, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 100 अप्रॉक्स में पूछा गया है, तो लगभग कितनी बार जाएगा ये आपका 0.0 तो आएगा ही आएगा, तो लगभग 6 टाइम एक गया, 6 है क्या, हाँ 6 है भी आपका, तो एक ही ऑप्शन आपका मैच हो रहा है 0.068 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है, एक्स एक्स लेट मत करना, इसमें नीड नहीं है, क्योंकि देखो अगर यहाँ लेट करते यहाँ भी लेट करना पड़ता है, यहाँ भी तो आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट ही होना था, ठीक है, तो इसलिए नीड नहीं है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप्स बताए थे ना उसमें भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मूव होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40% ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ सर्टेन कंपनी आर मैन एंड 75% ऑफ मैन अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर। इफ 45% ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर, देन आपको फ्रैक्शन बतानी है, वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न रुपीज 25,000 पर ईयर और लेस। ठीक है, देखो अगेन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, लैंग्वेज समझ जाओगे तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान होगा, तो पहले से ऐसे क्वेश्चन करके जाओ जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखो आपसे कहा गया है कि कंपनी है जिसमें 40% जो है एम्प्लॉय कौन है, मैन है, तो अगर मैं यहाँ पर 100 लेट करती हूँ तो 40 अगर मैन है तो वुमेन कितनी हो जाएंगी, 60, ठीक है। इफ 45% ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, कंपनीज एम्प्लॉयज अर्न मोर देन 25,000, ठीक है, आपसे कहा जाता है कि अगर 45% कंपनीज के जो एम्प्लॉय हैं वो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, तो मतलब 45 लोग ऐसे हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, तो आपको बताना है कि कितनी वुमेन ऐसी होंगी जो 25,000 से कम कमाती हैं, ठीक है। ओहो, ये लाइन भी आपको गिवन है कि 75% मैन ऐसे हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। देखो भाई 40 है मैन, तो 40 का 75% कितना हो जाएगा, तो 75% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/4, जब आप इसका 3/4 कैलकुलेट करोगे कितना आएगा वो 30, तो इट मीन्स 40 में से 30 मैन ऐसे हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, तो बचे कितने, 10 मैन जो 25,000 से कम कमाते हैं, ठीक है। अब देखो आपसे कहा जा रहा है कि 45 टोटल ऐसे हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, ये है टोटल, इसमें आपके मैन और वुमेन दोनों इंक्लूडेड हैं, मैन और वुमेन दोनों इंक्लूडेड हैं जो आपके 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सिर्फ आपके मैन हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं 30, तो अगर मैं इसमें से ये 30 माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल 15 वुमेन ऐसी हैं जो आपकी 25,000 से ज्यादा कमाती हैं, ठीक है, कितनी ऐसी 15 वुमेन ऐसी हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाती हैं। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया गया है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है उन वुमेन्स की जो 25,000 से कम कमाती है, ठीक है, तो कितनी कम कमाती होंगी, 60 तो टोटल वुमेन है, 15 ऐसी हैं जो 25,000 से ज्यादा कमा रही हैं, तो बची कितनी, 45 वुमेन, ठीक है, आउट ऑफ 60 फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी आपकी 3/4, ये क्या है आपका आंसर, नोट कर लीजिए। अगर डाउट हो तो कमेंट सेशन में बता देना, दोबारा बता दूंगी ये क्वेश्चन, वैसे सिंपल क्वेश्चन था, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास बी हैज 50% मोर स्टूडेंट क्लास ए, अ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, अच्छा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स सेम इन बोथ क्लासेस, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को अगेन समझना जरूरी है, अच्छी लैंग्वेज है इसकी, आपसे कहा गया है कि क्लास बी में जो है 50% ज्यादा स्टूडेंट है क्लास ए से, तो ये क्लास ए है आपका और ये हो जाता है क्लास बी, क्लास बी में 50% ज्यादा स्टूडेंट है क्लास ए से, तो यहाँ पर अगर एक है तो यहाँ पर कितना है, डेढ़ ज्यादा, ठीक है, 1.5। आपसे कहा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास ए में एक ही बराबर है नंबर ऑफ बॉयज क्लास बी, तो ये हो गई आपकी गर्ल्स, ठीक है, अगर यहाँ पर गर्ल्स एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जी गर्ल्स को लेट कर लेती हूँ तो बॉयज कितने हो जाएंगे, और ये दोनों ही क्या है बराबर यहाँ पर गिवन है,
और का क्या कहा गया है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो है बोथ दी सेशन में सेम है, तो आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। देखो तो बैलेंस कर लो इक्वेशन को, वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर भी जो है आपके गर्ल्स एक्स है, तो यहाँ पर भी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी एक्स, यहाँ पर बॉयज वाई है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज के आपके बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ बॉयज बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करोगे बॉयज की परसेंटेज तो कितनी हो जाएगी, बॉयज और गर्ल्स पहले सेशन में तो सेम है एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई तो सेम है, यहाँ पर आप जो वाई की जगह पर एक्स रख सकते हो। ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब आपसे कहा गया है परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ द सेशन, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई स्टूडेंट है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, डेढ़ और एक ढाई, ढाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ढाई है। ठीक है, और कितना हो जाएगा ये आपका 40%, 40% इज दी आंसर। क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स यहाँ पर इक्वल गिवन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बॉयज की परसेंटेज भी फिर सेम ही हो जाएगी अगर गर्ल्स की सेम है। Move to the next question. If each of the dimension of a rectangle is increased by 200%, the area is increased by. आपसे कहा गया है अगर एक dimension जो है rectangle की 200% बढ़ जाती है तो area कितने से बढ़ जाएगा, देखते ही लगाना था ये 800%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई रेक्टेंगल में चार साइड होती हैं और हर साइड आपकी 200% बढ़ रही है। ठीक है, तो चार साइड है तो कितनी बढ़ जाएंगी वो 800%। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए। The radius of a circle is decreased by 11%, then the total decrease in the area of circle is what? ठीक है, आपसे कहा गया है कि भाई रेडियस में कितना डिक्रीज हो जाता है, 11% का डिक्रीज हो जाता है, तो टोटल आपको बताना है एरिया में कितना डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है पहले रेडियस 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी वो आपकी 89। ठीक है, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आर आपका कांस्टेंट रहेगा, बस बन गया क्वेश्चन आपका। ओके, देखो भाई पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले एरिया अगर आपका 100 स्क्वायर था तो अब कितना हो जाएगा 89 स्क्वायर। ठीक है, अब गैप देख लो कितने का है इसका, 100 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा 189 और ए माइनस बी हो जाएगा आपका 11, और डिवाइड करा दो कितने से 100 के स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 गया और 189 इंटू 11 कितना हो जाएगा 20.8789 आएगा ना, 9 है वो, 89। ठीक है, 7 नहीं होगा यहाँ पर, 8 होगा। ठीक है, इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये एकदम। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है पाई लेने की नीड नहीं थी ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या करोगे लेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐसे ही बना सकते हो। Now move to the next question. A and B spend 60% and 75% of their income respectively. If the saving of A is 20% more than that of B, then what percentage in the income of A less than the income of B? अच्छा, income of A कितने percent कम है income of B से, ये आपको बताना है। अगर A और B अपनी income का 60% और 75% खर्च कर देते हैं और A जो है 20% ज़्यादा save कर रहा है B से, ठीक है भाई? चाहो तो फ्रैक्शन में भी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो ए और बी, तो ये हुआ इनकी इनकम एक्सपेंडिचर एंड आपकी सेविंग, ये है आपका ए और ये है आपका बी। ठीक है, अब ए जो है वो 60% अपने इनकम का खर्च कर देता है, 60% का मतलब कितना हो जाएगा आपका 3/5, अगर वो 5 कमाता है 3 खर्च कर देता है तो 2 वो बचाता है। ठीक है, बी की बात कर लेते हैं, बी जो है वो 75% मतलब 3/4, अगर वो 4 कमाता है 3 खर्च कर देता है और एक उसकी सेविंग है, ये बात आपसे कही गई है। लेकिन साथ में ये भी बोला गया है कि ए जो है वो 20% ज्यादा सेव कर रहा है बी से,
तो अगर सेविंग की बात की जाए ए और बी की अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो 20% ज्यादा सेव करता है बी से. 20% का मतलब हो जाता है आपका 1/5. तो ए अगर 5, बी अगर आपका 5 सेव करता है, तो ए कितना सेव करता है आपका 6. लेकिन दुख भरी बात यह है कि यहाँ पर फ्रैक्शन सेम नहीं है, ठीक है. यहाँ पर ए 6 नहीं बल्कि 2 सेव करता है, तो इसे 6 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. यहाँ पर बी 1 नहीं बल्कि 5 सेव करता है, तो इस पूरी इक्वेशन को मुझे 5 से डिवाइड कराना पड़ेगा. और रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है. और आपसे क्या पूछा गया है, ए कितना कम कमाता है, ठीक है. लेस देन ए इनकम ऑफ बी, ठीक है. व्हाट परसेंट ऑफ परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए, ए कितना कम कमाता है बी से. तो ए कितना कम कमाता है बी से, ए 5 कम कमाता है बी से, डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा. बैलेंस करना था और कुछ नहीं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आपसे कहा गया है अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोड्स इन अ फ्लड एंड 5% ऑफ रिमेनिंग होगा डाई, ठीक है, डिजीज. इफ द नंबर ऑफ द नंबर लेफ्ट इज नाउ 8360, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड्स. आपसे कहा गया है भाई एक विलेज था, फ्लड्स आ गए, उसमें हुआ क्या कि 12% जो गोड सॉरी जो गोड्स थी वो जो है लॉस्ट हो जाती है, ठीक है. और जो बाकी की बची 5% वो डिजीज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. तो मान लो अगर 100% गोट थी तो 12 तो पहले ही लॉस्ट हो गई, बची कितनी आपकी, आपकी बच जाती हैं 88. अब 88 में से भी कितना 5%, अब 88 का 5% कितना हो जाएगा आपका 4.4, ठीक है. 5% और जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो बचा कितना 73.6. तो सॉरी ये हो जाएगा आपका 83.6, ठीक है. इतनी जो है आपकी वोट्स बची हैं. कहा गया है इनका नंबर कितना है जो बची हैं वो इतनी है, तो कितने की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 की, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा आपका 40 किधर है ये रहे, ठीक है. 10,000 आपकी गोट्स थी. समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था. मेंस सन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, ये CGL मेंस का, ठीक है. CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था ये. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपको कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है. देखो आपको पता है कितने जीरो आएंगे, यहीं पर इसे सॉल्व कर लो, 4 तो यहीं आ जाएंगे. तो मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 4, ठीक है. इसे मैं काट के लिख सकती हूँ कितना 2 की पावर 3 एंड 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये 3 तो ये और 2 ये, 5 0, ठीक है. तो 10 की पावर और 2 की पावर 3, 10 की पावर 5, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसे 1/9 में है ये. बहुत आसान हो गया, 5 4 9 तो यही हो गया, तो 10 एक बाहर आ जाएगा, 9 ये हो जाएंगे, तो 1 2 आपका बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 0.2 इज द आंसर, ठीक है. ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता, बस देखते ही सॉल्व करो, ठीक है. और जो है ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में ये सब करने बैठ जाओ कि 8 लिखो फिर उसके नीचे आप 2 3 0 लगाओ, ठीक है, 4 0 उसके बाद फिर आप ये सॉल्व करो, ऐसे नहीं करना है, इतना लेंथी प्रोसेस, ठीक है. अब इतनी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर लो. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y. अच्छा क्वेश्चन है. कहा गया है 25% हाफ ऑफ x, तो x के हाफ का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, किसका, हाफ ऑफ x का, वो बराबर है किसके 2.5 टाइम्स वैल्यू ऑफ 30% 3/10 कितना ऑफ 1/4 ऑफ y के बराबर है. तो यहां से सबसे पहले आपको x बाय y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है. इसे सॉल्व कर लेते हैं.
ये कितनी बार जाएगा आपका? चार बार, चार से ये वाला चार कैंसिल, टू टू जा टू, एक्स और वाई आपको कितना आ जाएगा? थ्री बाई टू, ठीक है। और आपसे कहा गया है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स और वाई के कंपैरिजन में, एक ज्यादा है वाई से तो कितना परसेंट हो जाएगा? 50% आंसर, नोट कर लीजिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, देन व्हाट बाय व्हाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन? जस्ट अ सेकेंड, चलो हाँ ठीक है। हाँ भाई देखो, प्राइस ऑफ शुगर आपके इंक्रीज हो गए हैं 20% से, ठीक है। तो आपसे कहा गया है बाय व्हाट परसेंट मस्ट बी कट डाउन ऑन द कंजप्शन ऑफ शुगर, भाई कितने परसेंट से कंजप्शन ऑफ शुगर को कम किया जाए कि जो नो एक्स्ट्रा कॉस्ट हैज टू बी इंक्रोड ऑन शुगर, कि आपकी कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगे शुगर पे, मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर पहले होता था वही एक्सपेंडिचर आपका अब हो, ठीक है। तो देखो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपका ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये बराबर हो जाए किसके? प्राइस इनटू कंजप्शन के, ठीक है। अब आपसे कहा गया है प्राइस 20% बढ़ गए, 20% का मतलब हो जाता है आपका 1/5, तो पहले अगर 5 थे अब कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं, तो कंजप्शन आपको कितने से कम करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे? तो भाई पहले अगर कंजप्शन आपका 6 था तो अब कितना होना चाहिए? 5, तभी तो ये आपका 30-30 इक्वल बराबर रहेगा ना। वैसे भी प्राइस और कंजप्शन का जो रेशियो होता है वो रिवर्स होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो कितना कम करना पड़ेगा? 1/6 से, और इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 16/2/3%, ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखो ये थे आज के अल्टीमेट क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म में हम जो है आपको कराएंगे मॉक टेस्ट, जिसमें जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन और ज्योमेट्री और आपका अर्थमेटिक एंड एडवांस सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत अच्छे लेवल के मॉक जो होगा वो काफ़ी अच्छे लेवल का होगा, मॉडरेट से अबव ही होगा, क्योंकि अभी देखो कुछ ही दिन तो बचे हैं आपके CGL में। इस टाइम जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।